अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, सारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं क्यों सीढ़ी पे चढ़ती जा रही हूँ जैसे कुछ जानवर एनिमल्स भी सीढ़ियों पे फुलांगते हैं, मैं क्यों चढ़ती जा रही हूँ? ये मैंने पर्दे उतारे थे धोने के लिए, उतारने तो मुझे आपसे शेयर करने याद नहीं रहे। पर्दे को वॉशिंग मशीन ने धोया है और इसका मटेरियल ऐसा है कि विदाउट इस्त्री ये पर्दा लग जाता है। और देखें मेरी बेवकूफ़ी, मैं पर्दा लगाए जा रही हूँ बगैर ये पता किए कि मैं पुट्ठा लगा रही हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि मैं पुट्ठा लगा रही हूँ और मैं लगाए जा रही हूँ। एक हुक टूट गया, मशीन मेरा खल खा गई है। वॉशिंग मशीन का यही काम होता है। अब ये मैं नीचे उतरूँगी और फिर मुझे नज़र आएगा कि ये तो पुट्ठा लगा है, ये तो सही नहीं लगा। ओहो, अब क्या करूं? फिर मैंने उतारा, फिर उसको सीधा किया, फिर मैंने देखा कि इस तरह पकड़ूंगी तो मुझे पता चलेगा कि सिद्ध पुट क्या होती है। फिर मैंने दोबारा इसको लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर उल्टा लगाने लगी थी। फिर मैंने समझ आई, एक एक रिंग में डाला, एक रिंग वॉशिंग मशीन खा गई है। और ऐसा होता है, उसने तो अपना हिस्सा लेना था। होता है, कोई बात नहीं। तो वो अब बाज़ार जाऊंगी तो हुक लाऊंगी, फ़िलहाल किसी और तरीके से उसको कोई सेफ्टी पिन लगा के रिंग के साथ अटैच करती हूँ। दुनिया में कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं, कितना लाडला होता है बंदा, मैके में माँ बाप के घर में हिल के पानी भी नहीं पी सकता। हाँ, बिस्तर भी बिछा बिछाया मिले, खाना भी पका पकाया मिले, लाडली और सारे नाज मैके वाले उठाते हैं। शादी से पहले तक ससुराल जाके वो सारे मीन मेख निकल जाते हैं। उसके बाद ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि सारे काम, वो काम जो कभी मैके में सोचे भी नहीं थे, वो सब भी करने पड़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको सर्वेंट ही मिले। मैंने देखा है लोगों को सर्वेंट के लिए हर वक्त परेशान रहते हैं। हाय एक छोड़ गई, हुन होर लियांदी, हाय वो चोर निकली ही कोर लियांदी, हाय हाय ओदा ते काम ही बड़ा स्लो कर दिए, उदे नालों ते आप कर लिए। और एक जो है वो पैसे बहुत मांगती है, नौकरों के तो बड़े नखरे हैं। बेहतर है बंदा काम खुद कर ले। पर्दे तो वॉशिंग मशीन नहीं धोए, ये वक्री गल है। वो ज़रा मेरे एक आध हुक खा गई है, लेकिन वो हाथों से तो धुलने ही नहीं थे। अब मुझे बेवकूफ़ को देखें, मैं फिर पुट्ठा लगा रही हूँ और मुझे पता ही नहीं। देख, मैं रिंग में डाल के एक दफ़ा फिर वही कारनामा करूँगी और मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं कि मैं जो काम कर रही हूँ वो सही नहीं हो रहा। बिल्कुल इसी तरह कि बाज़ुकात हम सोचते हैं ये हमारे लिए बहुत बेहतर है और वो बेहतर नहीं होता। गैब का इलम तो अल्लाह के पास है, इसलिए सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। नहीं, हम कहते हैं जो हम सोच रहे हैं वो बेहतर है। जैसे मैं कह रही हूँ जो मैं लगा रही हूँ ठीक लगा रही हूँ, हालांकि मैं ठीक नहीं लगा रही, मैंने उल्टा लगा दी। और अब मैं देख रही हूँ कि ये तो पुट्ठा लग गया है। कैसी कैसी ज़िंदगी के तजर्बे हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम सोचते हैं हमारे लिए बहुत बेहतरी है किसी चीज़ में, तो वो बेहतरी नहीं होती और बाद में एहसास होता है। ये ज़िंदगी के तजर्बे हैं, ये ज़िंदगी की कहानियाँ हैं। देखिए, अब मैंने फिर उसको उठाया, अब फिर मैंने उसी तरह किया कि मैं सीढ़ी पे चढ़ूं। और ये मेरी कहानी है, ये मेरी अपनी है। मुझे अब फिर आ रहा है कि मैं सीढ़ी पे चढ़ूं और फिर से लगाऊं। लेकिन रिंग जो है एक आध हुक, एक उसका और एक इसका खा गई है। अब बाज़ार जाएंगे तो हुक फालतू लाएंगे, लेकिन पर्दा तो लगाना है ना। बड़े दो तीन दिन से वो ऐसे ही ड्रेसिंग खाली पड़ी थी, विदाउट कर्टन थी और बड़ी अजीब अजीब खाली खाली नंगी नंगी लग रही थी। तो मेरी दोस्तों, मेरी सहेलियों, मेरी हम उम्रों, देखो हिम्मत नहीं हारते होते, कभी भी गिव अप नहीं करते, हिम्मत नहीं हारते। मेरा पहली वीडियो आपने देखी है, मैंने कैसे कैसे चैलेंजेस बर्दाश्त किए हैं, मैंने कैसी कैसी स्ट्रगल की है, हिम्मत नहीं हारी। और
अल्लाह का शुक्र है मोटिवेट करने वाले मेरे साथ थे, अच्छे लोग अल्लाह ने मिला दिए। सच कहते हैं अल्लाह तो हमारी शाहरग भी करीब है। ये देखें मैंने एक दफ़ा फिर वही गलत काम किया और अब मैं उतार रही हूँ, अब मैं उतार रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह कि जब हम कुछ गलत कह जाते हैं किसी को तो बाद में एहसास होता है कि उसका दिल तो हमने दुखा दिया है, फिर माफ़ी तलाफी शुरू हो जाती अगर कोई एहसास करे। अगर ना करें तो यही है कि अच्छा है कह दिया तो कह दिया, उसको लगती है तो लगे, रोती है तो रोए। नहीं, डिफरेंट फीलिंग्स के लोग होते हैं, कुछ ज़रा सॉफ्ट होते हैं, उन्हें एहसास हो जाता है। ये देखे मुझे भी हो गया कि मैंने गलत काम किया, फिर मैंने दो दफ़ा पर्दा उतारा है और दो दफ़ा उसे लगाया है। लेकिन अपने हाथ से काम करने का इतना मज़ा है, इतना सुकून है, बिल्कुल मैं तो इरिटेट नहीं होती। अपने काम खुद कर लें, इसके लिए सर्वेंट ये काम नहीं करेगा, नहीं करेगी सर्वेंट। अगर मेल है या फीमेल है ऐसे काम नहीं करते, उन्होंने जल्दी जल्दी झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, बाथरूम धोना है और फिर ये जा वो जा दूसरे घर में। वो एक दिन में कितने घरों में काम करती हैं, तो उनका तो प्रोफेशन है ना, उन्होंने तो टाइम बचाना है कि अगले घर में जल्दी जाएं और उससे अगले घर में जाएं। क्या करें, महंगाई है ना, एक घर में काम करके गुजारा नहीं होता। सही कह रही, शुक्र है अल्लाह का, मैं भी सर पे हाथ रख के शुक्र कर रही हूँ कि अब सीधे लगे हैं। अब ये देखें सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ में जब पंखा थ्रू आउट चलता है और बंद होता ही नहीं है तो वो मिट्टी नज़र ही नहीं आती कि इसके पंखे पे मिट्टी भी है। अब पंखा बंद है तो जब हम लेटते हैं तो शदीद गंदा, शदीद गंदा। रोज़ कहती थी आज पंखा साफ़ करना है, आज पंखा साफ़ करना है, और ये काम कोई नहीं करेगा सिवाय अपने आप के। या फिर मिन्नत समाजित करो, या फिर 1,000-2,000 जेब से निकालो और उसको दो तो वो बड़े नखरे से कोई आके साफ करके जाएगा। तो इससे बेहतर है मिन्नत समाजित भी करो, पैसे भी दो और टाइम भी लगे वेट करने में, खुद कर लो। ये देखिए पंखा कितना खूबसूरत साफ हो गया है। जब बिस्तर पे लेटते और पंखा ये बंद होता तो सारा मिट्टी मिट्टी नज़र आता, पर्दा भी लग गया और पंखा भी साफ़ हो गया और टाइम कुछ भी नहीं लगा और मेरी वीडियो भी बन गई। ये दूसरे कमरे का, ये लाउंज का पंखा है, देखें मिट्टी से अटा हुआ है। एक को साफ़ किया तो दूसरा भी, आम गर्मियों में ये थ्रू आउट चलते हैं, चलते हुए पंखे में कभी मिट्टी नहीं नज़र आती, पार उसके गंदे नहीं नज़र आते, वो तो चलता ही रहता है। ये देखें सफाई वाली भी मैं दिखा रही हूँ, ये नहीं है कि सर्वेंट नहीं है, लेकिन ये बेचारी 4-5 घरों में सुबह आती है और शाम तक 4-5 घरों में काम करती हैं। सफाई की, पोछा किया, बाथरूम धोए, बाहर से झाड़ू लगाया या एक आध कोई और काम, डस्टिंग की, तो वो अगले घर, फिर उससे अगले घर। मेहनत है, जॉब, इनकी जॉब भी बड़ी टफ है, लेकिन घर का खर्चा तो चलाना है ना, क्या करें, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। तो मैं उसको भी नहीं कहूँगी कि तुम ये काम करो, और उसने करना भी नहीं, उसके कोई हड्डी शड्डी टूट गई तो वो बेचारी बिल्कुल काम से ही जाएगी, जो मेहनत कर रही है उससे भी जाएगी। ये देखें कितना गंदा पंखा है, लेकिन मैं अपने आप को बंदर की तरह ऊपर चढ़ते हुए अब नहीं दिखाऊंगी। ये देखें मैंने कर दिया, लाउंज को सेट भी कर दिया और पंखा भी साफ़ हो गया और आपसे बातें भी हो गईं।